कुलदीप प्रकृतिक पेंट का रिटेल शॉप यह जमशेदपुर भुयाडी होम पाइप मेन रोड में खुला हुआ है। कि गोबर से निर्मित किया हुआ पेंट का फर्स्ट रिटेल शॉप यहाँ जमशेदपुर भुयाडी में खुल चुका है। उद्घाटन हो गए। खादी के टीम इन्वॉल्व है, वहाँ भी आ रही है इसकी विशेषता बताने के लिए। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पेंट डिस्प्ले हो गया, कलर वाला कहाँ है ये देखें। कम पैसे में एक इम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, तो इसमें जो है ये दो कलरिंग मशीन आ रहा है। ये दो, हाँ ये कलरिंग मशीन आ रहा है पूरा। इसमें जो है ना पेंट डाला हुआ है। इको फ्रेंडली प्राकृतिक से निर्मित चीज को फिर बढ़ावा दे रहे हैं, दिया जा रहा है। लेकिन उसकी शुरुआत जब तक आम आदमी नहीं करेगा तब तक यह संभव नहीं है। और जमशेदपुर में भुयाडी में यही चीज का ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है। प्राकृतिक पेंट यानी गोबर के निर्मित के बनाए गए पेंट के द्वारा यह पेंट का शोरूम में आ जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जिन जिन लोगों का बहुत भूमिका अहम है वहाँ भी आ जाए हैं। मनोज जी है जो इसमें टेक्नोलॉजी बोलिए, औद्योगिक बोलिए या संसाधन बोलिए, इनका योगदान है। और मैन्युफैक्चरिंग वहाँ भी बगल में है और रिटेलर भी बगल में है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे खादी से। मनोज जी हमारे साथ है कि प्राकृतिक पेंट का भारत में कहाँ कहाँ शोरूम खुल चुका है और इसका उपयोग हो चुका है। प्राकृतिक पेंट पूरी तरह से गोबर से निर्मित है, इसमें केमिकल का उपयोग नहीं होता है। और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। खादी ग्राम उद्योग आयोग ने काफ़ी रिसर्च के बाद इस चीज़ को शुरू किया। जयपुर में इसकी ट्रेनिंग होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जयपुर से होती है। ये गोबर निर्मित पेंट क्यों गेम चेंजर होगा कि इसमें तीन एस्पेक्ट सॉल्व होते हैं। पहला तो ये इको फ्रेंडली है, हेल्थ फ्रेंडली है। ये पूरी तरह से केमिकल से फ्री होने के कारण इसमें जब आप पेंट करते हैं तो देखते हैं कि जो आंखों में लगता है बाकी केमिकल के कारण जो दुष्प्रभाव होता है वो इसमें नहीं है। आप रूम में पेंट हो रहा है, रूम में बैठे रह सकते। फिर हम सब लोग जानते हैं, भारत के लोग हैं तो जानते हैं कि गोबर से हम घरों को लीपते थे या जहां पूजा करते थे गोबर से लीपते थे। क्यों लीपते थे? क्योंकि गोबर जो है वो स्वाभाविक रूप से एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, रेडिएशन का इस पर कम प्रभाव होता है। तो ये चीज यहां भी लागू होगा। गोबर से निर्मित पेंट होने के कारण इसमें बाकी पेंट की अपेक्षा आप देखेंगे कि बैक्टीरिया फंगस कम लगेंगे या नहीं के बराबर लगेंगे। फिर इसमें रेडिएशन का भी प्रभाव रहेगा, यानी अगर बड़े घर में इसको पेंट किए हुए हैं तो टेम्परेचर पे भी बाकी घर की अपेक्षा इसमें आपको ज्यादा अनुकूल महसूस होगा। तो ये तो स्वास्थ्य की दृष्टि से है। दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण है कि एक गाय जो दूध नहीं भी देती है लेकिन 7-8 केजी गोबर देती है, 8 केजी गोबर से अगर 3 रुपए 4 रुपए भी मिला तो 25-30 रुपए का प्रतिदिन एक गाय के द्वारा इतना हो जाता है कि वो अपने भोजन की व्यवस्था कर लेती है। तो इस नाते भी आप देखेंगे कि एक सामाजिक निर्वहन है। और तीसरा, चूंकि इको फ्रेंडली और हेल्थ के चीजें जो होती है वो बहुत महंगी हो जाती है तो समाज उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता है। ये इन सारे गुणों के बाद भी बाजार में जो नामचीन पेंट बिक रहे हैं उस प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा, कम ही रेट में मिलेगा। यानी कम रेट में बेहतर चीज, सामाजिक दायित्व का निर्वहन, गो का संरक्षण और स्वास्थ्य और पर्यावरण का संरक्षण। यहाँ जमशेदपुर में और झारखंड में कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुके हैं, उत्पादन हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
देखिए अभी जैसा मैंने बताया कि एक दो साल से ही देश में शुरू हुआ है हमारे तो, नहीं लगभग 2.5-3 साल हो गए तो हर राज्य में एक दो यूनिट किसी किसी राज्य में महाराष्ट्र वगैरह में 5-7-8 यूनिट लगे होंगे तो अभी ये प्रारंभिक फेज में है। झारखंड में भी एक यूनिट लगी है जो प्रोडक्शन में आ गई है उसी का ये आउटलेट है। एक दो और यूनिट प्रोसेस में है जो आने वाले दिनों में लगेगा लेकिन स्वाभाविक है मैं बधाई दूंगा ज्योति जी ने जो इसको लगाया है कि आगे आना रिस्क लेना ये सबको लगता है क्या होगा चलेगा नहीं चलेगा लेकिन किसी एंटरप्रेन्योर को तो आगे आना पड़ता है तो ये आगे आके सरायकेला में इसको यूनिट को लगाई है और आज यहाँ एक्सक्लूसिव उसका पहला मार्ट भी शोरूम भी शुरू हो रहा है मैं उनको भी बधाई दूंगा और निश्चित रूप से जमशेदपुर वासी इन गुणों के कारण इस पेंट को स्वीकार करेंगे और आने वाले समय में ये बहुत तेजी से फैलेंगे। मनोज जी बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हमारे देश के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है तो हमें ये बताया जाए कि जो आपका शोरूम खुला है इसका प्रॉपर एड्रेस पहले बताएंगे। यह प्रॉपर एड्रेस है भुइयां डी जो है ना अभी जैसे हमारे समाज में फेमस है ये भुइयां जी उनके घर के सामने गुलाल भुइयां जी के घर के सामने में है। जैसे हम मांगो से बस स्टैंड से आगे आते हैं बस स्टैंड से 300 मीटर के आसपास में आने का ध्यान रहता है जब हम लोग इधर से आते हैं के रास्ते से तो रास्ते में लेकिन जमशेदपुर शहर बहुत बड़ी हो चुकी है आप यहाँ के कस्टमर रांची से भी आते हैं माड़ागोड़ा से भी आते हैं इधर आपको चल जाइएगा उड़ीसा से भी आते हैं तो उनको प्रॉपर लोकेशन बताइए क्या गूगल मैप या कोई साइट है तो भी जरूर बताइए। जरूर हम लोग गूगल मैप आपको दे देंगे यहाँ का करंट लोकेशन आप लोगों को दे देंगे और हम लोगों का ये है ये एक शोरूम खुला है और एक शोरूम से हम पूरी जनता को नहीं गाइड कर सकते तो हम लोगों ने ये किया है कि ये एक शोरूम है इसके 4 किलोमीटर लेफ्ट राइट और उसी में बात करें। हाँ पहले ये बताइए कि पेंट में अभी कितने मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस के आ चुके हैं कितने मिनिमम लीटर और कितने मैक्सिमम। देखिए इस पेंट का दाम जो आता है करीब 380 रुपये लीटर जो मैक्सिमम जो टॉप ग्राइंड का होता है उसका MRP है और इसके जो ये है डिस्टेम्पर है उसका 200 रुपये के आसपास में रेट आता है। और अब एक चीज बताइए कि कोई घर में देखना चाहे डेमो के लिए तो घर में लगा कर तो क्या उसकी आपकी टीम है जो उसमें जाकर दिखा सके। यस हम लोगों ने ऐसा एक इल्जाम किया है कि अगर आपके पास घर है आप उस घर को पेंट कराना चाहते हैं तो आप सिर्फ हम लोगों को कॉल करिए जब आप हम लोगों को कॉल करेंगे उसका पूरा ये नंबर एंड बाजार का नंबर है उस पर आप कॉल करते हैं तो हमारी टीम वहाँ जाती है आपके घर का इंस्पेक्शन करती है और आपको सिर्फ कलर सेट चूज करना है उसके बाद से मेरी टीम जाएगी पूरा पुराने पेंट को हटाएगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और नए टेक्नोलॉजी से उसको पेंट कर देगी गोबर को पेंट से उसको पेंटिंग कर देगी। आपको इसमें जैसे नॉर्मल जो पेंट होता है उसमें आपको कुछ दिनों के लिए बाहर रहना पड़ता है आपको कहीं पर भी नहीं जाना है आप उसी रूम में रहिए और एक दीवार को क्लीन कर दीजिए वहाँ पर पेंट हो जाएगा फिर दूसरा दीवार करिए। लाइफ कितना रहता है नॉर्मल पेंट से जो केमिकल पेंट से सर इसका लाइफ एज कम्पेयर टू एनी अदर पेंट आप कर सकते हैं लाइफ का है ये वॉशेबल भी है। क्वालिटी वाइज मैं ये जो पेंट है किसी भी बेस्ट ब्रांड से कंपेयर किया जा सकता है। और अंतिम में एक सवाल की मैन्युफैक्चरिंग कितना रिटेल खोलना चाहेंगे जमशेदपुर में कहाँ कहाँ खोलना चाहेंगे उसका कुछ डाटा या कोई आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो देखिए मेरा नाम मनोज कुमार है मेरा नंबर 9204750294 है इस नंबर पे कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। जो हम ये है जो छोटी सी दुकान खुली है इससे हम सिर्फ जहाँ पे भी शोरूम देंगे वहाँ से 4 किलोमीटर लेफ्ट राइट एंड और चारों दिशा में कुछ और दुकान नहीं है। हम लोगों का प्लानिंग है कि जमशेदपुर शहर में इस तरह के 10 और ऐसे आउटलेट्स खुले जिस तरह से ये डिजिटल ब्रांडिंग के नाम उस तरह के आउटलेट खुले और ये आउटलेट खोलने के लिए हम लोगों का मकसद ये है कि जो हमारे
देश में और इस शहर में उस उसी विषय में और अच्छे फिल्टर बात करते हैं। सर बहुत अच्छा है कि हमारे देश में रोजगार की समस्या है और स्वरोजगार के लिए पूरे वर्ल्ड परेशान है, युवा को बहुत अच्छा। तो इसमें खादी बोर्ड की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्या क्या बेनिफिट अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, सामान्य रूप से अगर शहरी क्षेत्र में कोई भी आउटलेट खोलना चाहते हैं एक्सक्लूसिव प्राकृतिक पेंट का, तो पीएमईजीपी के तहत अगर लोन अप्लाई करते हैं तो उनको एससी एसटी और ओबीसी या महिला इसी श्रेणी की तो 25% की सब्सिडी उनको इसमें मिल जाएगी और उसका लाभ मिल सकता है। जैसे ये मशीन वर्किंग कैपिटल है या बाकी चीजें फर्नीचर है, उसके लिए जो भी 8-10 लाख का अगर इसमें इन्वेस्टमेंट है उसमें 25% का एक सहयोग पीएमईजीपी के माध्यम से कार्यक्रम उद्योग आयोग करता है। या पेंट को आप कस्टमर को क्या बोलना चाहेंगे दो शब्द में, अंतिम शब्द में, कि वह थोड़ा सा यूज कहाँ पर किया जाए? वैसे सभी कस्टमर से और सभी शहरवासियों से यह आग्रह करूंगा, अब जो हम सनातनी हैं और कुछ नहीं तो आप अपने पूजा घर को इससे जरूर पेंट कराइए। आप जब इस अपने पूजा घर को पेंट कराएंगे इस पेंट से, आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर की भावनाओं में क्या चेंजेज आ रहा है। तो अभी कुछ दिनों के बाद से जब नेक्स्ट दिवाली छठ और होली में जब भी आप अपने घर का रंग रोगन करना चाहते हैं तो शुरुआत आप अपने पूजा घर से कराइए, आपको अच्छा लगेगा। कहते हैं कि घर एक मंदिर होता है और उस मंदिर को शुद्ध करने के लिए गोबर का बहुत अधिक यूज होता है। गोबर तो अभी मिलता नहीं है और गोबर को कोई छूना नहीं चाहते, लेकिन पेंट आ गया है और गोबर से निर्मित पेंट इतनी बड़ी टीम है भारत सरकार की, मैन्युफैक्चरिंग की रिटेल शॉप खोल चुका है, उसके साथ यह है टेक्नोलॉजी काम कर रहा है जो बड़े बड़े पेंट ऑनर पेंट मैन्युफैक्चरिंग देते हैं अपने रिटेल को। तो आप जरूर आकर इस पेंट को यूज कीजिए अपनी पूजा घर में, या कहना यहाँ के रिटेल यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके बाद अपनी घर के जो मंदिर उसमें यूज करके देखें, क्योंकि केमिकल युक्त पेंट और गोबर से निर्मित युक्त पेंट का एक शोरूम जमशेदपुर भुयाडे में खुल चुका है, अभी ऑफर चल रहा है, आप इसका जरूर फायदा उठाइए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को धन्यवाद। जोहार।